सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपेरिमेंटल माइंड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे मिनी एलईडी लाइट बॉक्स। तो दोस्तों, ये है इसका स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग इसे एज ए टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ, तो पास से एक बार देख लेंगे। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा लाइट कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं। इसके लिए हमें लेना है दो बॉटल कैप्स। तो यहाँ मैंने दो बोतल का ढक्कन ले लिया, चार एलईडी बल्ब, 9 वोल्ट का बैटरी लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे कैची है, और ये हमारा हॉट ग्लू गन, और ये हमारा लास्टली सोल्डिंग आयरन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोनों ढक्कन ले लेना है। दोनों ढक्कन में सबसे पहले एलईडी का दोनों लेग के साइज़ का छेद कर लेना है स्क्वायर शेप में, जो कि दोनों लेग आराम से इसके अंदर घुस जाए अच्छे से। स्क्वायर शेप में ध्यान रखें, स्क्वायर शेप में छेद करना है। तो यहाँ पर मैंने छेद कर लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो अब एलईडी को उसके जगह पे सेट कर लेना, जैसे जैसे मैं हम लोगों ने यहाँ पे छेद किया है। तो एक एक करके चारों एलईडी को अपने जगह पे सेट कर देना है। तो चारों एलईडी अपने जगह पे सेट हो चुका है। तो हम लोग नीचे वाले पोर्शन में देख लेंगे कि आगे क्या करना है। एक लेग को बाहर की ओर लपेट देना है, और आगे जो हमारा सामने वाला लेग है, चारों को आपस में लपेट देना है। तो सामने वाले लेग को, चारों को आपस में हम लोग यहाँ पे पिलास की मदद से लपेट देंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने बीच वाले, वो जो फर्स्ट वाला लेग था हमारा चारों, उसको लपेट दिया है। तो ये जो साइड वाला दूसरा जो हमारा लेग है, उसे कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों कट कर लिया है। तो बीच वाला भी जो हमारा जो एक्स्ट्रा निकला हुआ तार है, उसे हम लोग कट कर लेंगे। अब बीच वाले वाला जो हमारा लेग है चारों, उसे सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डिंग कर लेंगे। तो सोल्डिंग आयरन की मदद से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बीच वाले लेग को बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लिया है। तो यहाँ जूम करके दिखा दिया है। तो ये हमारा सोल्डिंग होके कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो दूसरा बचा हुआ चारों लेग है, उसको वीडियो में जैसे जैसे दिखाया जा रहा है, वैसे वैसे मोड़ देना है। ध्यान रखें, वीडियो में जैसे बताया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से मोड़े। तो ये हमारा जो दूसरा चौथा, मतलब दूसरा चारों लेग था, वो मोड़ चुका है। तो ये रहा हमारा चारों लेग। तो अब आगे हम लोग इस लेग को भी सोल्डिंग आयरन की मदद से चारों को आपस में सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके चारों लेग को सोल्डिंग कर लिया है। यहाँ पे मैंने, ध्यान रखें, सोल्डिंग को बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। तो ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो चुका है। ये हमारा सामने का एलईडी बल्ब हमारा चारों। तो अब हम लोग बैटरी क्लिप ले लेंगे, और बैटरी क्लिप का जो ऊपर का जो प्लास्टिक होता है, उसे हम लोग अनरैप कर लेंगे उसको, और उसके अंदर का जो हमारा बैटरी क्लिप रहता है, उसे बाहर निकाल लेंगे।
तो ध्यान रखें इसे अच्छी तरीके से निकालना है अंदर से, ये टूट ना जाए। तो वीडियो में जैसा ऐसा दिखाया जा रहा है निकालने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे बैटरी क्लिप को। तो ध्यान से इसके प्लास्टिक को रिमूव करेंगे आराम से। ध्यान रखें कोई भी हड़बड़ी ना करे किसी भी काम को करते समय। तो ये हमारा प्लास्टिक तो रिमूव हो चुका है हम लोगों का, और ये अंदर से बैटरी क्लिप हमारा बाहर आ चुका है। तो दूसरा वाला ढक्कन लेंगे और उसमें हमारा बैटरी क्लिप का जो साइज़ है उसी के नाप का दोनों छेद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों छेद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छेद कर लिया है बिल्कुल बैटरी क्लिप के साइज़ का। तो हम लोग इसे चेक कर लेंगे डाल के कि ये हमारा प्रॉपर छेद हुआ या नहीं। तो ध्यान दे दोस्तों, छेद को बिल्कुल प्रॉपर करना है, नहीं तो फिर आगे चल के हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये सेट हो चुका है और अब इसे हॉट ग्लू गन की मदद से फिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ध्यान दे दोस्तों, इसे हॉट ग्लू गन की मदद से अच्छे से फिक्स करना है, नहीं तो इसमें जो हम लोग बैटरी का यूज़ करेंगे बैटरी क्लिप के ऊपर, तो बैटरी हमारा बैठेगा नहीं सही से। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फिक्स कर लिया सब कुछ अच्छी तरीके से। तो अब हम लोग तार को जो है हमारे बैटरी क्लिप का जो वायर है उसे सोल्डिंग कर लेंगे। वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से सोल्डिंग करना है। ध्यान दे इसमें कोई भी गड़बड़ ना हो सोल्डिंग करने में या फिर किसी भी चीज़ को करने में, नहीं तो ये जो हमारा टॉर्च है ये काम नहीं करेगा। तो ये वायर दोनों हमारा सोल्डिंग हो चुका है। एक बार चेक कर लेंगे कि अच्छी तरीके से सोल्डिंग हुआ है या नहीं। तो हॉट ग्लू गन की मदद से अब हम लोगों ने जो सोल्डिंग किया है उसे भी उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हॉट ग्लू गन डाल देंगे कि इसमें कोई हलचल ना हो, ये हिले डुले ना। तो हॉट ग्लू गन के मदद से फिक्स करने के बाद अब हम लोग दोनों जो कैप है उसके बीच में हॉट ग्लू गन डालेंगे और दोनों को आपस में चिपका डालेंगे। तो यहाँ पे हॉट ग्लू गन डाल के दोनों को आपस में चिपका देना है। हॉट ग्लू गन देने के बाद बीच में प्रेशर डालें जो कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपर अपने जगह पे सेट हो जाए। तो ये हमारा सेट भी चुका और ये सूख भी चुका है हमारा। अब हम लोग इसमें बैटरी डाल के देखेंगे कि ये हमारा कैसा लाइट करता है, ये हमारा मिनी एलईडी लाइट बॉक्स। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ये जो मिनी एलईडी लाइट बॉक्स है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब हम लोग अंधेरे में जला के देखेंगे लाइट को कि कैसा लाइट करता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा लाइट कर रहा है। तो अब हम लोग किसी लेटर पे डाल के देखेंगे कि ये कैसा नज़र आ रहा। ये बिल्कुल एक अंधेरे रूम का वीडियो है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बुक को भी एक बार पढ़ के देख लेंगे। तो हर एक लेटर इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लाइट इसका बहुत ही अच्छा है। हम लोग अंधेरे रूम में भी इसको ट्राई करके देख रहे हैं कि ये इसका लाइट कैसा है। तो दोस्तों हमारा मिनी एलईडी लाइट बॉक्स बनाना बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो डू कमेंट लाइक और सब्सक्राइब।